बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों ये जो आपको आज नज़र आ रही है ये है फ्लूट कपलिंग। तो इस फ्लूट कपलिंग ये बंद हालत में है इस टाइम पे, एक बकेट एलिवेटर है उसकी फ्लूट कपलिंग है, ये बंद है। हमने इसको इंस्पेक्ट करना है, फ्लूट कपलिंग को चेक करना है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं मैं आपको बताता चलूँ। ये फ्लूट कपलिंग किस साइज़ की है वो भी आपको जैसे ही इसका नंबर सामने आएगा मैं आपको टर्न करके बताऊंगा। इस फ्लूट कपलिंग पे आपने इन चीज़ों पे ज़्यादा गौर करना है कि ये जो इसकी इनपुट शाफ्ट है, मैं थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ, यहाँ पे कहीं से यहाँ से कहीं इसकी आयल की लीकेज ना हो। नंबर दो, ये जो आपको प्लग नज़र आ रहा है, एक और प्लग मैं आपको बताऊँगा, ये वाला, ये एक साइड पे डेड प्लग है, ये वाला डेड प्लग है, ये वाला, दो टाइप के प्लग होते हैं, ये फ्यूज़ वाला है जिसमें लेड भरा होता है। इसका फंक्शन भी आपको बताता चलूँ कि ये जो डेड प्लग है ये तो सिर्फ आयल लेवल के लिए होता है कि जहाँ से आपने आयल लेवल चेक करना होता है इसको खोल के। लेकिन जो फ्यूज़ प्लग होता है इसका फंक्शन ये होता है कि जब आपकी कपलिंग ओवरलोड गियर बॉक्स या किसी वजह से इसका टम्परेचर राइज हो जाए, जब ओवरलोड पे चले, जब इसका आयल कम हो तो ये चलेगी नहीं, जब इसका आयल ज़्यादा हो और ओवर हीट हो जाए तो ये डेड प्लग, ये जो फ्यूज़ प्लग होता है इसके अंदर जो लेड भरा जाता है, इससे जो लेड होता है वो मेल्ट होके निकल आता है और सारा आयल ड्रेन हो जाता है। तो आपकी जो इक्विपमेंट होता है, आपकी जो मशीनरी है, इससे रिलेटेड रनिंग जो मशीनरी है वो बिल्कुल बंद हो जाती है। तो फिर यहाँ पे एक्सपर्ट मैकेनिक्स आके इसको चेक करते हैं। ये फ्यूज़ प्लग का फंक्शन होता है, डेड प्लग फॉर आयल लेवल ओनली या आयल फिलिंग के लिए होता है। तो दोस्तों ये फ्लूट कपलिंग में एक तो सीपी लीकेज चेक करनी होती है इसके फ्लैंज से, ये जो बोल्ट है सारे, यहाँ से इसकी कहीं से लीकेज ना हो। इसके जो फ्यूज़ प्लग है और डेड प्लग है यहाँ से कोई लीकेज ना हो। इसके इनपुट सील जो शाफ्ट है, जो इनलेट है, यहाँ पे इनपुट शाफ्ट है, यहाँ से सील से लीकेज ना हो। ये सारी इसकी चीज़ें चेक करने वाली होती हैं। और इसके बाद चेक करना होता है ये जो फ्लैंज है, यहाँ पे जो स्पाइडर कैमरिंग जो भी इसको कह दें आप, जो रबर की जो कैमरिंग या स्पाइडर कपलिंग जो होती है वो कहीं वियर वार्न आउट ना हो, वो चेक करनी होती है। और इसका स्पेस, ये जो गैप होता है, ये गैप चेक करना होता है कि ये एक जैसा होना चाहिए, ये ज़्यादा ना हो। ज़्यादा हो गए तो इसके टीथ डैमेज होने का खतरा होता है। तो दोस्तों ये फ्लूट कपलिंग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन थी जो आपको शेयर हुई है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आपको बताता चलूँ कि ये YOX इस पे अभी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये मुझे कंफर्म है YOX ये 450 की कपलिंग है, ये इसका नंबर होता है। तो दोस्तों उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो रिपीट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।